दोस्तों इस टीवी की स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं किस तरह की फॉल्ट है। ये फीजिंग फॉल्ट है, ये पिक्चर रुक रुक के चल रहा है, इसे हम स्लो मोशन नहीं कहेंगे। तो इस फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे और इसको कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या इसमें तरीका होता है रिपेयर करने की, सारी जानकारी हम वीडियो में देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहे और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की कॉन्टेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बात कह दूं दोस्तों, ये वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला था, कल अपलोड किया भी था मैं, कल शाम को 5 बजे ये वीडियो मैं पब्लिश करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं पब्लिश करता इसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था कुछ वीडियो क्लिप की वजह से, जैसे कुछ म्यूज़िक चैनल का वीडियो इसमें था जिस वजह से क्लेम आ गया था। फिर मुझे ये वीडियो हटाना पड़ा और फिर नए सिरे से एडिट करना पड़ा, तो कुछ चीज़ें मुझे इसमें से वीडियो क्लिप हटाना पड़ा। तो उसके लिए मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझा पाऊँ। देखिए, हमने टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ किया, ये टीवी ऑन तो हो गया लेकिन स्क्रीन पर कोई पिक्चर नहीं बना, लेकिन ऊपर आपको थोड़ी सी लाइनिंग दिख रही है और ब्लू स्क्रीन ऊपर में थोड़ी सी जगह में आपको दिख रही है। सो ये कस्टमर का कहना है कि इसमें करीब आधा घंटा एक घंटा लग जाता है पिक्चर आने में। आप देख सकते हैं हमने चालू किया, काफ़ी देर हो चुका है, ये धीरे 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 ब्लू होता हुआ आएगा और फिर ऐसे काफ़ी देर के बाद पिक्चर आता है। तो हम थोड़ी बहुत स्किप करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लेता है ये। तो इसी फॉल्ट को हम आज रिपेयर करेंगे। इसमें पिक्चर बनता है बहुत देर बाद, लेकिन वो भी पिक्चर रुक रुक के चलता है, तो इसी फॉल्ट को हम आज रिपेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ देर बहुत देर हो चुका है, लगभग 15 मिनट हो चुका है, तो फिर भी इसमें पिक्चर नहीं बना, स्क्रीन ब्लू अभी भी डार्कनेस नहीं आया इसमें। तो ऐसा बहुत समय इसमें लेता है। तो इस तरह की फॉल्ट को रिपेयर हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसमें पैनल की क्या वोल्टेज मिसिंग है और या फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये 39 इंच का माइक्रोमैक्स का टीवी है, तो ये लगभग 4 साल हो चुका है ये टीवी चल रहा है, अभी भी इसमें शिकायत आया है। अब देखें, बहुत देर बाद इसमें नो सिग्नल की बार आया है, लेकिन वो देख सकते हैं रुक रुक के चल रहा है, तो इसमें पिक्चर भी इसी तरीके से रुक रुक के चलता है। सो चलिए हम टीवी को पहले ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें जो स्क्वायर पीसीबी है कौन सा दिया है, मदरबोर्ड, सब चीज़ हम देखेंगे। देखिए, हमने टीवी को ओपन कर लिया है, ये देखिए इसमें डस्ट भी बहुत है, सारी चीज़ें हम साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे पहले, फिर काम करेंगे इसमें। दोस्तों मुझे बहुत सारा क्लिप इस वीडियो से हटाना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उस क्लिप के बिना समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। सो फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। इसकी स्केलर पीसी भी देख सकते हैं और इसका जो पैनल नंबर है, ये नंबर काफ़ी पॉपुलर है, ये पैनल में लोग काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं प्रॉब्लम में, तो आज इसी पैनल को हम रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं 2 स्केलर पीसीबी है, इसमें 2x2 कॉफ है, मतलब एक एक स्केलर पीसीबी पे 2-2 कॉफ है, इसमें 4 कॉफ है, ये देखिए 2x2 कॉफ है इसमें। तो हम इसकी सेंसर की वगैरह निकाल लेते हैं, यहाँ क्लियर करेंगे। हम इस टीवी को ओपन नहीं करेंगे, इसकी पैनल को हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है ये पैनल निकालना। सो हम कोशिश करेंगे कि इसको ऊपर से ही हम काम कर सके, क्योंकि इसकी जहाँ पे हमें काम करना है ये हमें पता तो है किस एरिया में काम करना है, तो वो एरिया हमें दिख रहा है इसमें, तो हम काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम ओपन नहीं करेंगे। ये काफ़ी मुश्किल लगता है खोलने में, क्योंकि ये इसका फिटिंग ही कुछ अलग है, सो हम नहीं खोलेंगे, इसी में ही हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें अब क्या किया जाए। इस टीवी को हम कुछ वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है DC to DC IC पे वोल्टेज सारे इसमें बन रहा है, हमने चेक किया। और इसका मेन समस्या यहाँ पर है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए LC1 और LC2 की आपको टेस्ट पॉइंट मिलेगा,
ये देखिए LC1 और ये नीचे यहाँ पे LC2 है, ये दोनों का मामला है इसमें। तो वो क्या है वो आगे आप देखिए, ये LC1 और LC2 ऑड और इवन की जो टेस्ट पॉइंट है, LC1 और LC2 इसको हम ऑड और इवन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये देखिए, LC1 पे VGL, VGH, VGL, VGS 30 वोल्ट और -9 वोल्ट, VGS 30 वोल्ट, -9 वोल्ट, ये ऐसा वेरी होता है और दोनों ट्रैक पे आपको यही सेम वोल्टेज वेरी होता हुआ मिलेगा। सो ये LC1 और LC2 है, इसे हम ऑड और इवन कहते हैं। ये वोल्टेज कहाँ से बन रहा है, यहाँ जो वोल्टेज आया ये आ रहा है लेवल शिफ्टर आईसी से, जो कि DC to DC IC से VGS VGL बनने के बाद फिर ये लेवल शिफ्टर आईसी में इनपुट होता है, यहाँ से फिर CKV लाइन निकलता है और आपका जो LC1 LC2 है ऑड और इवन की सप्लाई सब यहीं से निकलता है। ये गामा के आईसी है और ये आपका लेवल शिफ्टर आईसी है। अब इसकी जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ऊपर साइड में, ये सब आउटपुट की पिन है, ये सप्लाई पैनल के दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड जाता है, यहाँ से जो सिग्नल निकला है सेम सिग्नल पैनल के दोनों साइड जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LC1 और LC2 की ट्रैक जहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया था अभी, वही ट्रैक यहाँ पे मिलेगा आपको, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए सेम वेरी हो रहा है 30 और 9 वोल्ट, 30 -9, VGL और VGH वेरी हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरह के केस में मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो हमारे पास पूरी नहीं है। तो इसमें करना ये होता है कि ये जो लेवल शिफ्टर आईसी से जो जो ऑड और इवन की सप्लाई निकला है, इसे डिस्कनेक्ट करना होता है आईसी से। गलती से भी आईसी की तरफ आप सप्लाई ना दे दे, इसको डिस्कनेक्ट, देखिए हमने कुछ कुछ पैनल में डायरेक्ट जो ट्रैक है आईसी से निकल कर पैनल के अंदर एंटर होता है, लेकिन इसमें 0 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो उसके थ्रू आउटपुट हुआ है। तो हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया है, देख सकते हैं दोनों को या ओपन कर दिया। अब क्या है, इसकी जो आउटपुट सप्लाई है ये पैनल में नहीं पहुंच पा रहा है, कॉप के दोनों साइड नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ देखिए, यहाँ जो LC1 और LC2 की ट्रैक यहाँ से IC से निकला और फिर रेजिस्टेंस होता हुआ पैनल के अंदर यहाँ डॉट से चला गया, और दूसरी ट्रैक भी यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आया रेजिस्टेंस के थ्रू, फिर डॉट होकर अंदर चला गया। सो यही सप्लाई पैनल के दोनों तरफ गया है। यहाँ देखिए VGH का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ VGL का टेस्ट पॉइंट है, ये दोनों सप्लाई को हमें इस दो पॉइंट पे जोड़ना होता है। यदि जोड़ने के बाद पिक्चर सही ना हो तो इसको हम फिर चेंज करते हैं, VGL के जगह VGS देते हैं, VGS के जगह VGL देते हैं, तो फिर पिक्चर सही हो जाता है। लेकिन इस टीवी में क्या होगा वो आप देखिएगा। अब देखिए वहाँ से हमने रेजिस्टेंस जो ओपन किया है वो यहाँ तक आ रहा था LC1 और LC2 तक, तो वो हम चेक करेंगे अभी कि यहाँ पर वो सप्लाई पहुँच रहा है या नहीं। तो वहाँ भी चेक करेंगे जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ओपन किया, वहाँ आउटपुट साइड भी चेक करेंगे। इसकी स्केलर PCB में कोई शॉर्टिंग नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है पैनल के अंदर और जिस वजह से ये सिम्टम्स आता है। तो हमें कुछ चीज़ें रोकना होता है सोर्स PCB से, क्योंकि सिग्नल दोनों तरफ से पैनल के अंदर एंटर होता है, तो हमें एक साइड से इसको रोकना होता है जिस साइड में शॉर्टिंग होता है। तो वो कैसे पता करते हैं कि किस साइड में शॉर्टिंग है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग साइड से रोक रोक कर देखना है तो हमें पता चलता है। कभी कभी स्क्रीन में फॉल्ट देख कर भी पता चल जाता है किस साइड में दिक्कत है। यहाँ पर देखिए CKV लाइन की ट्रैक है पूरा, LC4, SC6, XC2, SC1 ये सब CKV लाइन की ट्रैक है, और LC1, LC2 ये ऑड और इवन की ट्रैक है। यहाँ देखिए DC to DC IC और गामा IC इसमें अलग से लगा है, ये DC to DC IC है। तो चलिए हम इसका जो मेन फंडा है वो चीज़ देखते हैं। पैनल का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, इसी तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आने वाला है। अब हम इसकी वोल्टेज थोड़ा चेक करेंगे, जो रेजिस्टेंस हमने ओपन किया है उसको ज़रा ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज किस तरीके से वेरी होता है और पैनल के अंदर जाता है, वो चीज़ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस होके आउटपुट हुआ था, हम IC के साइड चेक करेंगे और जो डॉट साइड है उस साइड भी चेक करेंगे। यहाँ देखिए IC के साइड में
थोड़ा मीटर सेट कर लेते हैं। टीवी ऑन हो गया। यहाँ देखिए आईसी के साइड में आपको वेरी होता हुआ दिखेगा। कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए 30 माइनस 9, 30 माइनस 9, लेकिन दोनों ट्रैक पे आपको सेम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन हमने रेजिस्टेंस ओपन किया तो ऊपर साइड देखिए -5 वोल्ट है, ऊपर साइड में -5 वोल्ट है दोनों ट्रैक पे, ये देखिए। तो इससे पता चलता है कि इसमें शॉर्टिंग है पैनल के अंदर ही, जहाँ से रिटर्न वोल्टेज इसमें आ रहा है। अब वही सप्लाई आपको यहाँ पर मिलेगा LC1 और LC2 पे, -5 वोल्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए LC1, ये देखिए -5 वोल्ट, LC2 में भी -5 वोल्ट है, दोनों में सेम वोल्टेज इसमें है ओपन करने के बाद। ये वोल्टेज इसमें मिसिंग होना चाहिए था, हमने जब ओपन किया तो ये पैनल के अंदर से घूमता हुआ ये वोल्टेज फिर वापस आ रहा है, देखिए आप। तो अब देखिए हमने LC1 और LC2 में VGL और VGS से बाईपास नहीं किया है, जंपर नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस को ओपन किया है। अब देखिए इसमें पिक्चर बन चुका है, ये देखिए इसमें पिक्चर बन चुका है। और ये टीवी मैं लगभग 4 दिन हो गया आज मेरे टेबल पे चल रहा है, काउंटर पे, तो कोई शिकायत नहीं आया। नॉर्मली दोस्तों ये ऑर्डर इवेंट की सप्लाई जो है इसको ओपन करने के बाद पिक्चर चली जाती है, इसमें आपको दूसरा कुछ सिम्टम्स दिखने लगता है, लेकिन इस टीवी में ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ओपन किया हूँ, इसमें कोई सप्लाई जोड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें पिक्चर बन रहा है और 4 दिन से टीवी चल रहा है। तो इसीलिए मुझे ये फॉल्ट एंटिक लगा, इसलिए मैं आज अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो आपने देखा कि हमने इसमें कोई बाईपास नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ LC1 और LC2 की ट्रैक को हमने रिमूव कर दिया, पैनल के अंदर जाने के लिए रोक दिया, तो इसमें पिक्चर बन चुका है। अब देखिए कुछ लाइनिंग भी है ऊपर, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज लगभग 4 दिन ये टीवी चल रहा है, इसमें कोई शिकायत नहीं आया है अभी तक। सो आज मैं ये टीवी कस्टमर को डिलीवर करने वाला हूँ और साथ में वीडियो भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आपने देखा इस टीवी में हमने कैसे रिपेयर किया इसको। यहाँ सिर्फ हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया और इसमें हमें कोई बाईपास भी नहीं करना पड़ा। अगर दिक्कत करता तो हम यहाँ से बाईपास करते, लेकिन इसमें केस में क्या हो रहा है, यहाँ जब हम बाईपास कर रहे हैं VGL और VGS सप्लाई यहाँ जब हम जोड़ते हैं तो पिक्चर टोटली बंद हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। VGL और VGS से बाईपास करने के बाद पिक्चर आनी चाहिए और कंटिन्यू अच्छा चलना चाहिए, लेकिन इस टीवी में नहीं चल रहा है। नॉर्मली बाकी टीवी में हम ये ट्रैक ओपन करके यहाँ पे VGL और VGS से बाईपास करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।